हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता डायरीज। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और दिल्ली की ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल ऑयल का रिव्यू। और तो इस ऑयल को मैं अपने हॉल में दिखा चुकी हूँ, शॉपिंग हॉल में। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, बहुत ज़्यादा जिनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हम वही सारे प्रोडक्ट अपने लिए चूज़ करते हैं और हम वही यूज़ करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है वाला हिसाब किताब है। और जैसे जैसे कि हम हेयर केयर में देख लें तो वाव, ममा अर्थ, फिर लॉरियल, गार्नियर और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डे बाय डे डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी प्रमोशन भी ज़्यादा की जाती है। यू नो, एवरी डे ये ब्रांड्स जो होते हैं नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं एंड फिर हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। उसके साथ साथ अगर हम स्किन केयर में जाएं तो स्किन केयर में भी सेम वही चीज़ें होती हैं। जितना ज़्यादा प्रमोशन चीज़ों को मिलता है, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं। बट हमेशा ना टीवी पर देखने वाली चीज़ें, यूट्यूब पर देखने वाली चीज़ें जिनका इतना ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है, वो हमेशा आपके लिए कारगर हो, वो आपको इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर दिखने वाली चीज़ें, हर महंगी चीज़ उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है जितना हम सोच लेते हैं। सो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आज हेयर ऑयलिंग की, सो मैं यहाँ पर जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, एक हेयर ऑयल है। और आप देख सकते हैं आजकल मार्केट में, अब जब से पता चला है कि अनियन हमारे हेयर के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि अनियन की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके साथ साथ मार्केट में फिर अब अनियन हेयर ऑयल रिलीज कर दिए गए हैं। अब हमें पता है कि राइस हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो कुछ ब्रांड्स ने राइस बेस्ड शैम्पू निकाल दिए हैं। कुछ लोगों ने राइस बेस्ड फेस वॉश तो पहले से आता है, अनियन के डिफरेंट डिफरेंट अनियन हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, एक कंप्लीट रेंज निकाल दी है। और फिर आप देख सकते हैं कि फेनुग्रीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल है हमारे हेयर केयर के लिए। सो इसी तरीके से हिबिस्किस ऑयल आप जानते हैं कितना ज़्यादा आजकल डिमांड में है। सो कई ब्रांड ऐसे हैं जो अब हिबिस्किस ऑयल का भी कंप्लीट रेंज निकालने वाले हैं। सो इसी तरीके बहुत सारी ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जो हेयर ऑयल आपके साथ शेयर करते हैं। अनियन हेयर ऑयल, फेनुग्रीक हेयर ऑयल, देन करी लीव्स हेयर ऑयल, इसी तरीके से यूट्यूब पे आप देखेंगे तो इतने सारे, मतलब कोई लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस अनियन ऑयल यहाँ पे लोगों ने शेयर किए हुए हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सारी रेमेडीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पेशेंस होता है और इतना ज़्यादा टाइम होता है कि वो ये सारे रेमेडीज फॉलो करते हैं और यूज़ करते हैं और उनको बेनिफिट मिलता है। उसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास टाइम नहीं होता है कि वो ये सारे DIY बना सकें, या फिर उतने दिन तक कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिनको आपको बनाने के बाद धूप दिखानी होती है, एक दो दिन तक धूप में रखना होता है। तो जो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता है तो वो ये DIY नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे अनियन ऑयल रेडीमेड मिल जाते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर से ऑयल ले लेते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं। तो मैं भी कुछ टाइम से सोच रही थी कि मैं एक अनियन हेयर ऑयल अपने लिए बनाऊं, बट वही है कि हिबिस्किस ऑयल का भी उसमें हिबिस्किस फ्लावर जो है उसको भी डालना था, और मेरे पास हिबिस्किस फ्लावर नहीं है, तो फिर मैंने उसको नहीं बनाया। एंड मतलब एक अच्छा हेयर ऑयल अपने लिए सर्च कर रही थी। सो अमेजन पे मुझे आप जाएंगे तो आप सर्च बॉक्स में डालते हैं अनियन हेयर ऑयल या कोई भी हेयर ऑयल, तो आपको तीन चार जो फेमस ब्रांड्स हैं वो इनका निकल कर आते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए था। देन आई स्विच टू फ्लिपकार्ट और मेरे वहाँ पर कुछ ऑयल दिखा। सो मैंने उस ऑयल को जब पढ़ा और जब उस ऑयल के प्रोडक्ट्स चेक किए, सो आई वॉज लाइक अमेज्ड कि उसमें उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यूट्यूब पे बताए जाते हैं कि आप ये भी डाल लीजिए, ये डाल लीजिए, मतलब दिस एंड दैट सब कुछ ऐड कर लीजिए, और ऐसी इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होती है। सो वो ऑयल है रेगोलिथ का अनियन हेयर ऑयल। दिस इज एन अमेजिंग हेयर ऑयल। इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें बताए जाते हैं हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं।
इट्स अ प्रीमियम अनियन हर्बल हेयर ऑयल। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मेंशन किए गए हैं उनकी। सो इसके अंदर है ट्री ट्री ऑयल, करी लीव्स, नीम, भृंगराज, आमंड ऑयल, कोकोनट, आंवला, जोजोबा, रोजमेरी, हिबिस्कस, ऑलिव, अनियन एंड विटामिन ई। इन सारी चीजों का इन्फ्यूजन इस छोटी सी बॉटल के अंदर है और ये एक बहुत ही अच्छा ऑयल है। क्लेम करता है कि दैट इट रिड्यूस एंड कंट्रोल हेयर फॉल, कंट्रोल एंड फाइट डैंड्रफ, नरिश हेयर फॉलिकल्स, इम्प्रूव एंड एसिलेट हेयर ग्रोथ। सो आपने देखा कि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इन्फ्यूजन है और ये जो हेयर ऑयल है जब भी आप शैम्पू करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल हो जाता है जब भी वो शैम्पू करते हैं तो बहुत सारे बाल निकलते हैं, बट आफ्टर यूजिंग दिस ऑयल वो मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। इवन मैं इस ऑयल को अकेले यूज नहीं करती हूँ, मेरी मम्मी भी इसको यूज करती हैं एंड उनको भी जो शैम्पू करते वक्त हेयर निकलते थे, हेयर फॉल होता था, वो बिल्कुल बंद हो गया है। अभी उन्हें भी शैम्पू करते टाइम बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपका हेयर फॉल रुकना, और शैम्पू करते टाइम बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल होता है तो वो आपका रुक जाता है आप जब इसको रेगुलर यूज करते हैं। और ये छोटी सी बॉटल है और पहले ना ट्राई करने के लिए हमेशा मैं छोटा ही प्रोडक्ट लेती हूँ और थोड़ा प्राइस वाइज ये एक्सपेंसिव है। दिस इज फॉर 399 एंड इट कंटेन 60 ml प्रोडक्ट इन दिस बॉटल, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 400 में आपको सिर्फ 60 ml मिलेगा, बट इट इज वर्थ इट क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो आप देख सकते हैं साइड में मैं किस तरीके से यहाँ पे इस ऑयल को यूज कर रही हूँ और मैं यही ऑयल यूज करना स्टार्ट कर चुकी हूँ और ये आपके हेयर को ना बहुत मैनेजेबल कर देता है। और जब भी मैं कोई प्रोडक्ट शेयर करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2-3 लोगों के ऊपर से ट्राई करूँ एंड देन फिर मैं आपके साथ रिजल्ट शो करूँ, क्योंकि क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर मेरे लिए अच्छा है तो हो सकता है कि वो किसी और के लिए अच्छा ना हो, इसीलिए मैं उसको अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ उनको भी ट्राई करवाती हूँ और फिर उनसे पूछती हूँ कि उन्हें ये कैसा लगा। सो मैंने ये ऑयल भी अपनी मम्मी के साथ शेयर किया एंड शी लव्ड इट, और मेरे से ज़्यादा वो ही इसको यूज़ करती हैं और मैंने पहले उन्हीं के लिए ऑर्डर किया था और उन्होंने ही मुझे बताया कि ऑयल बहुत अच्छा है एंड देन आई स्टार्ट यूजिंग दिस ऑयल और दिस इज एन अमेजिंग। यस थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, 400 rupees में आपको सिर्फ 60 ml मिलेगा एंड जब मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये ऑयल अमेजन पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको अमेजन पे सर्च करेंगे ना तो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलेगा और आप फ्लिपकार्ट पे जाके इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और एक बात, जब आप इस ऑयल को बाय करेंगी ना तो आपको एक साथ 2 ऑयल लेने होंगे क्योंकि ये जो ऑयल है एक सिंगल बॉटल, मतलब आपको एक सिंगल बॉटल नहीं मिलेगी। जब मैंने इसे बाय किया था तो मिनिमम क्वांटिटी आपको 2 करनी थी, सो मैंने 2 की है, 1 मिनट कम्प्लीटली खत्म हो गई है एंड दिस इज अनदर वन विच आई एम यूजिंग। और मैंने इसी ऑयल का एक बड़ा साइज भी ऑर्डर किया है और अभी और सेल में आपको ये बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। और इसी का एक शैम्पू भी आता है सेम ब्रांड का, दिस इज रेगुलेट अनियन हेयर ऑयल, तो रेगुलेट अनियन हेयर शैम्पू भी इसी ब्रांड का अवेलेबल है। सो मैंने वो भी ऑर्डर किया है और उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि ऑयल इतना अच्छा है तो शैम्पू भी अच्छा होगा। एंड यूजली मेरी मम्मी जो है वो हमारी तरह एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती हैं, तो बट दिस टाइम I ordered the same brand shampoo for her. तो देखते हैं कैसा रहता है। और गाइस ये एक हर्बल ऑयल है, ये बाकी ऑयल की तरह नहीं है, ये completely हर्बल ऑयल है और इसके अंदर जो भी सारे इंग्रीडियंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंग्रीडियंट्स हैं यहाँ पे मैंशन की गई है और यहाँ पे बताए गए हैं सारे बेनिफिट्स एंड इसमें हाईलाइट किया है कि ये completely अनियन हेयर ऑयल है और इट इज नॉन स्टिकी यस एंड नॉन ग्रीसी एज वेल। सो दिस ऑयल इज एन अमेजिंग, इसकी जो कंसिस्टेंसी वो बहुत अच्छी है और ये वाइट कलर में है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत माइल्ड है।
तो आपको बिल्कुल भी ना चढ़ेगी नहीं, एंड क्योंकि बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बट दिस इज अमेजिंग। और स्पेशली फ्रेग्रेंस मैटर करती है मेरे जैसे लोगों को जिनको फ्रेग्रेंस पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली हर फ्रेग्रेंस सूट नहीं होती, स्पेशली स्ट्रॉन्ग स्मेल्स तो बिल्कुल भी नहीं, बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी है। और लास्ट टाइम यूज के लिए ये वाली बॉटल बहुत अच्छी है, आप इसको यूज करिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप बड़ा बॉटल ऑर्डर करिए मेरे तरह, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो फिर मत करिए, आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। अगर आपको हेयर फॉल का इश्यू है, यू नो आपको हेयर ग्रोथ चाहिए, आपको डेंडर फ्री हेयर चाहिए, एक अच्छी स्कैल्प चाहिए, क्लीन स्कैल्प चाहिए, और तो आप इस ऑयल को जरूर ट्राई करें, एंड इस प्रोडक्ट को ट्राई करें, और फिर उसके बाद अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। और दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।